हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम खेत में दवाई छिड़कने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें, देखते रहिए। टंकी में पानी भर लिया है, अभी टंकी के ढक्कन को बंद कर रहे हैं। ये हमारा करेला का खेत है, करेला और बैंगन। इसमें कीड़ा लग गया है, इसलिए स्प्रे कर रहे हैं। बरबट्टी, बरबट्टी को चूहा ने खा दिया, बीजा को खा दिया और ऊपर का छिलका को छोड़ दिया है। सारे बरबट्टी को खा दिया। ये देखिए दोस्तों, हमारे अरहर के पेड़ में कितना सारा अरहर हुआ है। ये करेला का पौधा हम बरसात के समय लगाए थे, अभी भी हो रहा है। अभी पौधा खराब हो गया है, हम फिर से लगाए हुए हैं, वो थोड़ा छोटा है। एक बड़ा सा आंवला का पेड़ है, इस साल आंवला के पेड़ में एक भी आंवला नहीं हुआ है। उधर बहुत बड़ा जंगल है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, डैम का पानी। पानी के उस पर बहुत घना जंगल है। यह खीरा का पौधा, इसको हम करेला के क्यारी में ही लगाया है।
ये है छोटा बेर, इसको हम लोग धागा बरोई, टॉक बरोई बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको भैदा बुरोई टॉक बुरोई बोलते हैं। ये जंगल में होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जंगल में होता है, एक गांव में घर में नहीं होता है, सिर्फ जंगल में ही होता है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा मीठा मीठा। देखिए किसको किसको ये पसंद है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ यहाँ बहुत सा पेड़ है इस बेर का, बहुत ही अच्छा लगता है खट्टा खट्टा। यह फूल अभी मैं जा रही हूँ धनिया के खेत में, धनिया के खेत में बहुत अच्छा अच्छा साग लगा हुआ है, उस साग को तोड़ूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारा धनिया का खेत, अभी इसमें बहुत घास भर गया है, थोड़ा सा धनिया बचा है। इस धनिया को इस सप्ताह के बाजार में ले जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें एक रूट आउट मार के फिर लगाएंगे। अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, एक ही बाजार ले जाने से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी घास को साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ से साफ करेंगे ना पूरा ख़त्म भी नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं साफ कर रहे हैं। धनिया को ख़त्म करके फिर कीटनाशक खरपतवार नाशक जो मिलता है दवाई उसको छिड़क देंगे। वही शाग खाने के लिए दो चार ठो पौधा लगाए हुए थे, इतना बड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा था, अच्छा साग हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे अभी। ये देखिए इसको हम डिमी शाग बोलते हैं, ये थोड़ा खाने में थोड़ा कड़वा होता है करेले की तरह, इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको शुगर है, बहुत से रोगों में इस साग का अच्छा दवाई की तरह काम करता है। हमारे यहाँ बहुत चाव से खाते हैं इन लोग इस साग को। आप लोग खाते हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग अच्छे खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। इसको तोड़ लेती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इतना सारा तोड़ लिया है, और थोड़ा तोड़ लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने डिमी शाक तोड़ लिया है, अब इसको हम धोने चलेंगे। साग में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी कचरा रहता है, इसको अच्छे से धोना चाहिए, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ डैम के किनारे, डैम के पानी से मैं धोऊंगी। मैं पहुंच चुकी हूँ डैम के किनारे, यह पानी देखिए दोस्तों चारों तरफ पानी ही पानी है। ये हमारा डोंगा है, इससे हम पार होते हैं। दरअसल हम जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, हम लोग बीच में रहते हैं। गांव में या मार्केट जाने के लिए हमें इस डोंगे के डोंगा के सहारे से ही जाना पड़ता है। डोंगा में बैठ के हम डैम पार होते हैं, उसके बाद गाड़ी से जाते हैं। अब डिमी शाक को धो लेते हैं अच्छे से।